पर फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल एजुकेशन में। हमारा आज का ये वीडियो इंग्लिश का पार्ट सेकंड वीडियो है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या होता है, और उससे रिलेटेड कुछ एरर्स भी देखे थे हमने, तो आज हम उसके आगे का देखेंगे। तो अब देखिए कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इस वीडियो में हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे और इस पे कुछ रूल्स हैं जो कि एरर में काफी काम आते हैं, जो कि अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो एरर पूछे जाते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, उनके लिए ही हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस से। तो देखिए, हमने कल सेंटेंस पढ़ रखा था, अब आगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार, तो सेंटेंस पांच प्रकार के होते हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव। ये हो गए हमारे पांच तरह के सेंटेंस। अब देखिए, असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों आते हैं, मतलब सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य असर्टिव में हमारे दोनों आ जाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन आस्किंग होते हैं, जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एक्सेट्रा होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम सडन फीलिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमारा विश, प्रेयर, कर्स, ब्लेसिंग एक्सेट्रा होता है। अब देखिए कुछ रूल्स हैं इन सेंटेंस से रिलेटेड। पहला रूल है हमारा, अवॉइड सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन इन अ सेंटेंस। तो सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अननेसेसरी, आप अननेसेसरी कह सकते हैं सुपरफ्लुअस को। सुपरफ्लुअस का सिनोनिम से होगा अननेसेसरी। तो एक सेंटेंस में सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन को हमें अवॉइड करना है। जैसे अगर हम अपना सेंटेंस देखें, फर्स्ट, द एंग्री मॉब ब्रेक द ग्लास, मतलब गुस्साई हुई भीड़ ने ग्लास तोड़ दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एंग्री और साथ ही साथ मॉब। तो फ्रेंड्स, मॉब का अर्थ खुद ही होता है गुस्साई हुई भीड़, यानी कि एंग्री क्राउड। तो इसके साथ हम लोग एंग्री नहीं लगाएंगे, इसीलिए केवल सेंटेंस बन जाएगा द मॉब ब्रेक द ग्लासेस। नेक्स्ट देखिए, माय फादर हैज रिटर्न बैक आफ्टर अ ईयर, मेरे पिता एक साल के बाद वापस लौट आए हैं। अब इस सेंटेंस में यहाँ पे रिटर्न भी है और बैक भी है, तो रिटर्न बैक का साथ में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना, इसलिए हम इसके साथ बैक नहीं लगाएंगे। इसलिए यहाँ से बैक हटा दिया, तो सेंटेंस बन गया माय फादर हैज रिटर्न आफ्टर अ ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, After the teacher had told the boys how to pronounce the word, all of them repeated the word again. अब देखिए, यहाँ पे क्या है? बताया जा रहा है सेंटेंस में कि पहले जब टीचर ने बता दिया लड़कों को कि उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, तो उन सभी स्टूडेंट्स ने फिर से उस वर्ड को रिपीट किया। अब फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, यहाँ पे रिपीटेड, रिपीट का मतलब खुद ही दोहराना होता है, तो अगेन का यूज नहीं करेंगे, तो इस सेंटेंस में अगेन सुपरफ्लुअस है, इसलिए हम अगेन को हटा देंगे। फ्रेंड्स, इस टाइप के कई सारे एरर्स आपको एग्जाम्स में मिलेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ सुपरफ्लुअस से है, आपके बहुत सारे रूल्स आएंगे और सबसे एरर आता है, और आपको ये पता नहीं होता है कि कौन सा एरर कब अप्लाई होगा, इसलिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा ब्लंडर मिस्टेक। फ्रेंड्स, ब्लंडर का मतलब खुद ही एक बहुत बड़ी गलती होती है, इसलिए ब्लंडर के साथ हम लोग कभी मिस्टेक नहीं लगाते, वरना ये ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा आपका, इसलिए ब्लंडर के साथ कभी मिस्टेक का यूज नहीं होगा। अगर किसी सेंटेंस में आप ब्लंडर यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ मिस्टेक यूज नहीं करिएगा। आगे देखिए, हिमालयन ब्लंडर। अब जैसे ब्लंडर के साथ हम मिस्टेक यूज नहीं कर सकते, लेकिन हिमालयन ब्लंडर एक इडियम है, और इस इडियम का मतलब होता है अ बिग मिस्टेक। यहाँ पे हिमालयन गलत नहीं है, क्योंकि ये एक इडियम है, लेकिन ब्लंडर के साथ आप वेरी ब्लंडर, बिग ब्लंडर और कुछ भी नहीं यूज कर सकते, लेकिन हिमालयन ब्लंडर इसलिए लगा है क्योंकि ये एक इडियम है। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स और उनके साथ वो वर्ड दे रखे हैं जो कि इसे सुपरफ्लुअस बना सकते हैं, मतलब कौन से वर्ड के साथ किस वर्ड का यूज नहीं करना है किसी एक सेंटेंस में। तो देख लीजिए, अगर आपके सेंटेंस में अंटिल, अनलेस, रेयरली, हार्डली आ रहा है, तो उसके साथ नॉट यूज नहीं होगा। स्कार्सली, सेल्डम, बेयरली के साथ भी नॉट यूज नहीं होगा। फॉरबिड, डिनाय, प्रोहिबिट, लेस्ट के साथ भी नॉट यूज नहीं होगा। विदाउट के साथ नॉट और बट फॉर दोनों यूज नहीं करते। रिसीट, रिटर्न, रिट्रीट के साथ बैक नहीं लगेगा।
रिट्रीट विथड्रॉ रिकॉल के साथ बैक नहीं लगेगा। 7 PM और 9:30 PM इस टाइम की कोई टाइमिंग दी हो तो उसके साथ दिस इवनिंग नहीं लगाएंगे। 8 AM और 11 AM इस टाइप की कोई टाइमिंग दी हो तो उसके साथ दिस मॉर्निंग नहीं लगाएंगे। अगर कजिन आ रहा है तो उसके साथ कजिन सिस्टर या कजिन ब्रदर यूज नहीं करेंगे। कंसर्ट और स्पाउस के साथ हस्बैंड या वाइफ नहीं लगाएंगे। रिपीट रिकैपिचुलेट रिकॉल के साथ हम अगेन नहीं लगाएंगे। रिबॉर्न रिबिल्ड के साथ अगेन नहीं लगाएंगे। एग्रीमेंट के साथ म्यूचुअल नहीं लगाएंगे क्योंकि एग्रीमेंट तो म्यूचुअल होता ही है, इसलिए हम उसके साथ म्यूचुअल का यूज नहीं करेंगे। कांडी के साथ प्लीज नहीं लगाएंगे। ये गलती अक्सर कई लोग करते हैं जब वो एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं तो काइंडली के साथ प्लीज यूज करते हैं, तो काइंडली के साथ प्लीज यूज नहीं करना है। रिक्वेस्ट के साथ प्लीज और काइंडली दोनों यूज नहीं करना है। इन कुछ वर्ड्स को आप याद रख लीजिए, ये अक्सर पूछे जाते हैं इसलिए मैंने इतने वर्ड्स बता दिए। और भी ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ कुछ कुछ वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए जिससे कि वो सुपरफ्लूज बन जाए। अब हमारा रूल नंबर सेकंड आ गया, अवॉइड डबल नेगेटिव इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में हम लोग डबल नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करेंगे। ये बात आपको ध्यान देनी है कि किसी भी सेंटेंस में डबल नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अब जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, दे कैन प्रॉमिस यू एन एक्सपीरियंस यू वॉन्ट नेवर फॉरगेट। अब यहाँ देखिए, यू वॉन्ट का मतलब विल नॉट होता है और नेवर का मतलब कभी नहीं, तो यहाँ पे वॉन्ट के साथ नेवर का यूज नहीं होगा, ये डबल नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे नेवर का यूज नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट है, माई फादर फॉरबिड यू नॉट टू गो टू थिएटर। अब यहाँ पे एक फॉरबिड आ रहा है, इस सेंटेंस का मतलब है कि मेरे पिता ने तुम्हें मना किया था थिएटर नहीं जाने को, लेकिन ये सेंटेंस की सेंस थोड़ी सी चेंज हो जा रही है यहाँ पे नॉट का यूज करने से, क्योंकि फॉरबिड का मतलब खुद ही होता है मना करना। फॉरबिड का जब मतलब मना करना हो गया तो यहाँ पे नॉट लगाने की जरूरत नहीं थी, ये डबल नेगेटिव हो गया। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका सेंस ही नेगेटिव होता है, जैसे कि हमारा फॉरबिड हो गया, रिफ्यूज हो गया, डेनी हो गया, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, इन सेंटेंस के साथ हम नॉट यूज नहीं करते। अगला सेंटेंस है हमारा, अनलेस He invites me to his wedding, I will not attend it. Unless भी एक हमारा negative sense वाला word है, लेकिन यहाँ देखिए ये sentence में थोड़ा सा change है। Unless he invites me to his wedding, I will not attend it. यहाँ पे unless work कर रहा है as a conjunction. यहाँ unless conjunction की तरह word work कर रहा है, इसका मतलब इस sentence के दो parts हैं। First part है unless he invites me to his wedding और next part है I will not attend it. अब देखिए, unless first part में लगा हुआ है, unless he invites me to his wedding, तो इस part में कोई भी not या negative sentence का use नहीं हुआ है, इसलिए ये unless यहाँ पे ठीक है। और next sentence में हमारा है I will not attend it, तो ये भी ठीक है। तो क्या बन गया हमारा, जब तक कि वो मुझे अपनी शादी में invite नहीं करेगा मैं उसकी शादी attend नहीं करूंगा, इसीलिए ये sentence ठीक है। अगर ये यहाँ पे conjunction का काम नहीं करता या फिर यहाँ पे सिर्फ एक ही सेंटेंस लिखा होता और उसमें अनलेस लगा होता तो उसके साथ हम कभी भी नॉट का यूज ना करते, लेकिन यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है अनलेस और दो सेंटेंस है, दो पार्ट है इस सेंटेंस के, इसीलिए हम अनलेस का यूज करेंगे और यहाँ पे अनलेस का यूज करना सही है क्योंकि अनलेस वाले पार्ट में नॉट नहीं लगा है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि अनलेस अंटिल वाले पार्ट में नो या नॉट का यूज कभी नहीं होगा। अगला देख लीजिए सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपके लिए है, आपको मुझे इसका एरर ढूंढ के बताना है। यू विल नॉट स्कोर गुड मार्क्स अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। आप इसका एरर ढूंढिए और मुझे कमेंट कर बताइए इसका एरर, और ये सारे रूल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जितने वर्ड्स हैं उन्हें याद कर लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आप ये सब कर लेंगे और मैं इसके आगे की वीडियोस में इसके आगे के रूल्स बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले चैनल, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दे क्योंकि इस टाइप के कई सारे वीडियो इंग्लिश सीरीज के आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।